हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। और आज का हमारा सैलड है क्यूकम्बर बोट सैलड। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए 2 क्यूकम्बर, थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, अनार के दाने, व्हाइट वाले चने, थोड़ा सा शुगर, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस, टेमरिंड पल्प और थोड़ी सी देगी मिर्च। सबसे पहले क्यूकम्बर लीजिए और उसके साइड्स को काट दीजिए, मतलब टॉप एंड टेल। उसके बाद स्पून की मदद से, आपके पास अगर स्कूपर है तो स्कूपर की मदद से उसका अंदर का पल्प निकाल दीजिए। पल्प को स्कूप आउट करने के बाद वो कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इंटरेस्टिंग सी ड्रेसिंग बनाते हैं। इसके लिए मैंने ब्लैक सॉल्ट, शुगर, देगी मिर्च, चाट मसाला, लेमन जूस, टेमरिंड पल्प, इस सबको साथ में लेके अच्छे से मिला लीजिए। आपके पास एक थिक सा रेड पेस्ट बन जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। अब किसी भी प्लेट पे या सर्विंग ट्रे पे अपने क्यूकम्बर को रखिए। अभी हमें रेड पेस्ट से इसको अच्छे से कोट करना है। अब हर जगह अच्छे से पेस्ट लग चुका है। अब इसमें आप अपने बॉइल्ड चने ऐड कीजिए। मैंने इसको सोक करके बॉइल करके रख लिया था। अब थोड़ा सा पेस्ट इसके ऊपर भी लगाइए और थोड़ी सी मिंट लीव्स डाल दीजिए। अब अनार के दाने ऐड कीजिए और फिर से थोड़ा सा पेस्ट और बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स। ये जितना सुंदर देखने में है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है खाने में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू लाइक इट। जल्दी मिलते हैं एक और सैलड रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।